मोहब्बत भी हुई तो किससे, जो मेरे नसीब में नहीं थी। दो रोज के बाद वो हमेशा हमेशा के लिए किसी और के नाम से मंसूब हो जाएगी। जिंदगी का एक नया सफर शुरू करेगी, मगर मैं हमेशा शायद वहीं खड़ा रहूंगा जहां मैंने पहली बार अनुषा को देखा था, जब पहली बार मेरा दिल उसके लिए धड़का था। शायद मैं उसे कभी भूल ना पाऊं। चंद ही मुलाकातों में मेरे दिल में उसके नक्श इतने गहरे हो गए कि मैं मिटाना भी चाहूं तो शायद मिटा ना पाऊं। बहुत उदास है, यकीनन वो अनुषा के लिए सीरियस था, मगर ये तो बेवकूफी है ना, वो किसी और को पसंद करती है। खैर भूल जाएगा कुछ दिनों में, वैसे भी इस उम्र में हर मोड़ पर एक नई मोहब्बत हो जाती है। जैसे कोई अच्छी लड़की मिलेगी भूल जाएगा अनुषा को, बस मुझे जल्द अज जल्द इसकी शादी करनी होगी। इस मसले का बस यही एक हल है। क्या हुआ बेटा, कुछ डिस्टर्ब लग रही हो? इज एवरीथिंग ओके? नहीं नहीं बाबा, सब ठीक है। मैं भी ठीक हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। काफी दिनों से बाहर भी नहीं हूँ। वो रोज रोज जाके बोर हो गई थी और अब मेरा दिल नहीं चाहता। बेटा जो दिल चाहे वो कर, बस कुछ गलत नहीं करना। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं, इन उदास आंखों के साथ में। यस मैम। जाओ जाके सो जाओ। Good night.